गुड आफ्टरनून सर. नमस्ते. नमस्ते. थैंक यू सर. कैसे हो मैडम? अच्छी हूँ सर. आप कैसे हैं? बढ़िया. ठीक है. अच्छा, आप अपने बारे में बताइए. सर, मेरा नाम मंजू है. मैं हनुमानगढ़ के पूर्व सर गांव से हूँ. मैंने बीएससी से ग्रेजुएशन किया है. और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रामेश्वर लाल है और माताजी का नाम श्रीमती माया है. आप अपने एरिया के बारे में बताइए. सर, हमारे हनुमानगढ़ में बटनेर का किला प्रसिद्ध है. वहाँ पे शीला माता जी का मंदिर, गोगा जी पीर का मंदिर और कबूतर साहिब गुरुद्वारा, मसीता वाली हेड, तलवाड़ा झील, काली गंगा, ये सब प्रसिद्ध है. वहाँ एक फ्रूट होता है. फ्रूट कौन से होते हैं वहाँ पे? फ्रूट सर, संतरा. संतरा फेमस है. और मानव गंगा नगर के संतरा फेमस है. संतरा होता है कि किन्नू होता है? किन्नू बोलते हैं. आपके हॉबीज बताइए. सर, कुकिंग और सुडोकू को भरना. कुकिंग और सुडोकू भरना. आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताइए. सर, मेरी स्ट्रेंथ तो ये है कि मैं जैसे गुड लिसनर हूँ. मेरा बिहेवियर भी काफ़ी फ्रेंडली है और अडेप्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है. और वीकनेस ये है कि जैसे इमोशनल बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हूँ और किसी से पर्सनली अटैच भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ. आपका रोल मॉडल कौन है? सर, मेरे माता पिता जी. आपके माता पिता. आप बैंकिंग क्षेत्र में क्यों आना चाहती हैं? सर, जैसे बैंक किसी देश की अर्थव्यवस्था का मूलभूत ढांचा होती है. इस वजह से और बाकी इसमें ये रिपोर्टेड जॉब है काफ़ी और करियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है. और जैसे कि इसका वर्क एनवायरनमेंट है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है. एक अच्छे पीओ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो वो अपने काम में दक्ष होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए और टाइम का पाबंद होना चाहिए और उसका बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए जिससे वो कस्टमर से काफ़ी अच्छे से बात कर सके. एक पीओ की ड्यूटी क्या होगी? सर, पीओ क्लर्क और मैनेजर के बीच की कड़ी होती है. उसको जैसे विजिटिंग साइट पर जाना, चेक और डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, अपने क्लरिकल स्टाफ को सुपरवाइज करना और जिस लोन देते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना, ये सब. चेक और ड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है? सर, चेक तो अपने अकाउंट से जारी किया जाता है और डिमांड ड्राफ्ट वो एक लोन के रूप में होता है जो बैंक देती है. और चेक बाउंस हो सकता है जबकि डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता. अच्छा, आपको कोई बेहतर मौका मिलता है तो क्या बैंक छोड़ दोगे आप? सर, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है और बाकी बैंक में कोई अच्छा चांस मिलता है तो मैं जरूर उस बारे में सोचूंगी. केवाईसी के बारे में बताइए. सर, केवाईसी का पूरा नाम नो योर कस्टमर है. इसमें जैसे कस्टमर की पूरी जानकारी ली जाती है, उसका एड्रेस प्रूफ और फोटो आईडी, ये सब. इस सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस बता दीजिए. सर, सीआरआर तो बैंक आरबीआई के पास रखता है उसमें कैश के फॉर्म में और एसएलआर बैंक अपने पास रखता है गोल्ड या सिक्योरिटी के फॉर्म में. वर्तमान में कितनी सीआरआर? 4.5% और एसएलआर 18%. रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या फर्क है? सर, रेपो रेट तो जैसे बैंक आरबीआई है वो बैंक को लोन देती है जिस रेट पे, उसे रेपो रेट कहते हैं. और जब बैंक आरबीआई के पास अपने पैसे जमा कराती है तो जिस रेट पे बैंक आरबीआई देता है ना उनको, मतलब जो रेट देता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं. ये रेपो रेट की क्यों जरूरत पड़ती है? सर, जैसे अगर वो लोन देता है उस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं लगाएगा तो फिर मार्केट में पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी. मुद्रास्फीति. यस सर. तो मुद्रास्फीति के बारे में बताइए आप थोड़ा. सर, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है? जैसे कि अब मुद्रास्फीति अनावश्यक खर्चा हो गया और सॉरी सर, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताइए. सर, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जो बैंक को लोन देती है उसके लिए ब्याज दरों का निर्धारण करती है, रेपो रेट, उसमें बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट, MSF, इन सब का, इन्फ्लेशन कितनी रखनी है उसका. वर्तमान बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? NPA. NPA के बारे में बताइए थोड़ा. सर, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है. जब किसी लोन का 90 दिनों तक या तो EMI या उसका लोन नहीं आता है तो उसको NPA की कैटेगरी में रखा जाता है. अच्छा, NPA से क्या नुकसान है बैंकों? सर, उनके पास फंड की कमी हो जाती है और
तो बैंक के इनकम के क्या साधन होते हैं? इनकम के जैसे वो लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट मिलती है, वो एप्लीकेशन फीस, लोकल चार्जेस, एसएमएस सर्विसेज सब। भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रमुख कार्य बता दीजिए सर। ये मॉनिटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है और गवर्नमेंट को पैसा देता है, बैंकों को रेगुलेट करता है और उनको लाइसेंस भी देता है। तो शेयर मार्केट के बारे में आप क्या जानते हैं? सर शेयर मार्केट में शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं। ये एफडीआई और एफआईआई में क्या फर्क है? सर एफडीआई में जैसे डायरेक्ट निवेश किया जाता है। कहाँ पे? शेयर मार्केट में नहीं सर, उसमें किसी कंपनी में। अच्छा। और एफआईआई में शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है। ये एनपीसीआई क्या चीज है? सर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और ये ऑनलाइन रिटेल पेमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। आज कोई उसके लिए विशेष किया क्या गवर्नमेंट ने? हाँ सर, वो आईएमपीएस में 5 लाख तक की कर दिए, उसमें जैसे नाम और फोन नंबर डाल के 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है वर्तमान में? सर पर डे 2 लाख। ये डिसइन्वेस्टमेंट और आजकल बहुत चर्चा में डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या चीज है? गवर्नमेंट किसी कंपनी से कंपनी के शेयर बेच देती है किसी प्राइवेट कंपनी को, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की दो योजना बता दीजिए आप। प्रधानमंत्री जनधन योजना और सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक। मंजू। यस सर। पिछली बार गई थी? यस सर। अच्छा, पिछली बार इंटरव्यू हुआ था? हुआ था। इंटरव्यू कैसा रहा था? इंटरव्यू अच्छा हुआ था सर। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। ये सेलेक्ट क्यों नहीं होता है? मेंस में नंबर कम थे। हैं? मेंस में नंबर कम थे, उसमें मेंस में नंबर कट ऑफ ही क्रॉस हुई थी बस। कट ऑफ में नहीं आ पाई। अच्छा अच्छा। ये जितने जैसे बैंक्स हैं, है ना? यस सर। कितने तरह के बैंक्स हैं? सर जैसे आरबीआई सेंट्रलाइज्ड बैंक है, पीएसबी है, रूरल बैंक है, फॉरेन बैंक है और जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है और प्राइवेट बैंक्स भी। प्राइवेट बैंक्स भी। इसको देखो ऐसा है, चार कैटेगरीज हैं बेसिकली, चार कैटेगरीज के हिसाब से ध्यान रखो बैंकिंग सिस्टम जो है वो देखना। मैं अभी नहीं बताऊंगा चार कैटेगरी कौन कौन सी हैं, है ना, जिसमें गवर्नमेंट बैंक है जिनको पीएसयू बैंक बोलते हैं, इसके बाद फिर प्राइवेट बैंक है, है ना, इसके बाद फिर फॉरेन बैंक है ना, फॉरेन बैंक है, फिर आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक है। ये चार कैटेगरीज हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये कौन से कोई एक्ट के तहत आती है या रिजर्व बैंक ऐसे ही डंडा चला देता है? ये सर बैंकिंग एक्ट के तहत है। बैंक कौन सा है वो? 1949 बैंकिंग एक्ट। 1949 बैंकिंग एक्ट। 1949 पूरा बोलो। बैंकिंग एक्ट 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बीआर एक्ट बोलते हैं, है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रेगुलेट करता है ना। यस सर। पंखे को रेगुलेट करते हो ही करते हो, एक नंबर पे करना है कि दो नंबर पे करना है या बंद करना है, रेगुलेटरी होता ही नहीं होता है। तो हु इज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? आरबीआई, है ना, ये है। आरबीआई के अलावा भी कोई संस्थाएं काम करती हैं जो सरकार के नियंत्रण में है या कोई ऐसे फाइनेंशियल मार्केट नाम सुना? जी सर, वो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है एनबीएफसी, उनको ईडा, हाँ, वो रेगुलेट करती है। हाँ हाँ, ये फाइनेंशियल मार्केट के ही इससे हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसी है, एलआईसी वगैरह, एलआईसी वगैरह है, आपका स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह भी हैं, है ना, एलआईसी वगैरह भी है, ये भी फाइनेंशियल बट इंश्योरेंस का। आईआरडी का नाम सुना है? yes, क्या है ये? ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनबीएफसी को रेगुलेट करता है। एनबीएफसी को नहीं करती है, रॉन्ग, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने का, अगेन रेगुलेट, है ना। तो आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट जो है, फिर उसमें अलग अलग सेगमेंट्स जो है ना आ जाते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है सेबी नाम सुना है? yes, sir. स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नहीं नहीं, सिक्योरिटी कहाँ आ गई इसमें? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, स्टॉक एक्सचेंज जो जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, क्या ठीक है? उसके अंदर दो दो तरह के बाजार काम करते हैं जिनकी रेट्स आती रहती हैं, ध्यान, बीएससी और एनएससी, है ना, बीएससी और एनएससी, है ना,
अच्छा ये जो फॉरेन एक्सचेंज का कुछ नाम सुना है क्या? सॉरी सर, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? पता नहीं है इस बारे में। फॉरेन एक्सचेंज कोई विदेश में रहते हैं आपके रिलेशन में? नहीं सर, कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता इस एरिया से तो बहुत रहते हैं घर घर में। मैं तो हनुमानगढ़ से हूँ, हमारे गांव से इतने नहीं जाते। ज्यादा वहाँ का ट्रेंड नहीं है क्योंकि वहाँ लोग धनाढ्य हैं। हाँ। जमीने खूब है, नहरी एरिया है, क्या ठीक है ना? ये नहर जो है वो कौन सी इस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये कौन सी नदी से जुड़ी हुई है, कहाँ से आता है इसका पानी? सर उसका मुझे पता नहीं है। उसका पता नहीं है पर हनुमानगढ़ में ये मसीता वाली हेड से आती है। हनुमानगढ़ में ये मसीता वाली हेड में प्रवेश करती है सबसे पहले। हनुमानगढ़ में मसीता वाली हेड, मसीता वाली से हेड एंटर करती है, ठीक है? इससे कुछ फायदा हो रहा है वहाँ? यस सर। हैं वहाँ की जो प्रीवेलेंट क्रॉप्स क्या हैं? कपास, गवार, मूंगफली, सरसों, गेहूँ। अच्छा अच्छा, ये सब होते हैं सबसे ज्यादा। आपको सबसे बाजरा, बाजरा भी होता है? बाजरा भी होता है। ये श्री अन्न का नाम सुना? किसका? श्री अन्न बाजरा। और बाजरे के अलावा नहीं होता कुछ सर? शायद मोट गवार। मोट गवार मिलेट्स, मिलेट्स को मैं कैटेगराइज करते हैं ना इसको। बाजरा, ज्वार है ना, मक्का, एक कोदो बोल करके एक फसल होती है इधर, रागी, रागी ये आते हैं ना, ओट्स जो जिनको हम बोलते हैं वो भी आपका जो भी जो है उसमें श्री अन्न का ये एक तरह से पार्ट माना जा रहा है। श्री अन्न से मतलब बाजरे की क्या खास बातें हैं? सर इसमें फास्फोरस होता है। अच्छा, इसका रंग काला क्यों होता है? सर उसके बारे में नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता। एनीवे देखिए बाजरे को हमने बेचारे को उसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बाजरे में गुण बहुत है, गेहूँ से ज्यादा गुण शायद बाजरे में हो सकते हैं लेकिन हमने उसको तो प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो दिया है ना अभी मालूम है अपने G20 सुना है ना? सुना है सर। है सुना है G20 में एक दो पॉइंट से जरा बता दीजिए, G20 में क्या रहा, क्या खास बात रही? सर इसकी अध्यक्षता अब की बार भारत ने की। भारत ने की, वेरी गुड। और इसकी थीम वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। वेरी गुड। और इसमें वो एक और अफ्रीकन यूनियन शामिल कर दिया गया। गुड, अफ्रीकन यूनियन को 21वां देश शामिल किया गया है ना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से एक तरह से प्रपोजल था, उन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभा करके अफ्रीकन यूनियन को जो है इसमें शामिल कर लिया। तो अभी G21 हो गया क्यों, ठीक है ना? yes. तो ये इस तरीके से। अच्छा अभी गेम्स में कुछ इंटरेस्ट रखती हो क्या? बचपन में कभी खेला नहीं तुमने, इसीलिए कमजोर हो रही हो है? तो गेम्स में थोड़ा सा जो है अभी एशियन गेम्स कहीं अपन कहाँ खेल के आई अपनी टीम में? चाइना। चाइना में क्या अचीवमेंट रहा उसका? सर इंडिया नंबर पे रही, इंडिया फोर्थ नंबर पे रही 107 मेडल के साथ। इंडिया फोर्थ नंबर पे रही है ना, ये अचीवमेंट है बल्कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पिछले सालों से अगर कंपेयर किया जाए तो जितने 50 साल में मेडल नहीं आए उतने हमारे खिलाड़ी भी एक साल में ले आए, समझ रहे हो ना? ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है एक मतलब जिसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ, मतलब हमने जो गाँव से ग्रामीण अंचलों से जो हीरे ढूंढे उन खिलाड़ियों ने कमाल किया ही। दूसरी बात बजट बढ़ा दिया सरकार ने, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? सॉरी सर उसके बारे में नहीं, उसके बारे में नहीं पता। चार गुना कर दिया, जो 600 करोड़ समथिंग दिया जाता था अब जो है ना वो अभी 2500 करोड़ का बजट उसमें जो है स्पोर्ट्स में दिया गया है ना। हाँ चलिए बढ़िया। अभी तो रेपो रिवर्स रेपो के बारे में जानकारी है, हैं? अभी क्या रेट चल रही है रेपो रेट? 6.5। अच्छा अच्छा, SLR क्या चल रहा है? 18%। 18%, ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? सॉरी सर मैक्सिमम का नहीं पता, मैक्सिमम का नहीं पता। मैक्सिमम 25% तक जा सकता है, ठीक है? मैक्सिमम 25% तक जा सकता है। और CRR जानती हूँ, है ना? ठीक है, बढ़िया तो ना, ठीक है।